नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर स्थित मजलिस पार्क में निर्माणाधीन बहुमंजिला बिल्डिंग पर मजदूरों ने बुलाई पुलिस। मजदूरों का आरोप है कि उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है, साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई को लेकर भी शिकायत दी गई है, जिसकी जांच करने के लिए डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। दरअसल दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों से लगातार हादसे होते रहते हैं और बिना नक्शे के बिना मानकों के तय सीमा से काफी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, जो अक्सर हादसों का कारण भी बनती है। ऐसी एक बिल्डिंग खड़ी की जा रही है मजलिस पार्क के एक लेबर चौक के नजदीक। ये बिल्डिंग 5 मंजिल बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई करीब 70 फीट तक पहुंच गई है, जो कि गैर कानूनी है। 5 मंजिल की बिल्डिंग तैयार की जा रही है और साथ ही किसी भी तरह का नक्शा इस बिल्डिंग का पास नहीं करवाया गया है। इसी को लेकर शिकायत भी संबंधित विभागों में दी गई है। जरूरत है विभाग वक्त रहते कार्यवाही करे, अन्यथा हादसा होने पर बिल्डिंग बनने के दौरान जो अधिकारी एरिया में तैनात होते हैं उन पर भी कानूनी कार्यवाही होती है। श्याम सुंदर, क्या है आपका यहाँ फंसा हुआ है? ईसाई क्या क्या मकान मालिक क्या कर रहे हैं? मालिक देने के मना कर दिए, साफ बोल दिया मैंने हिंदू तुमको ना, मैं तुमको जानता हूँ। अच्छा, और किसी तरह से बहस? बहस बस यही एक ही बात कहते हैं कि मैं तुमको मशीन नहीं दूंगा, मैं मशीन यहाँ से जाने दूंगा, देखता हूँ कौन एसपी डीएसपी आता है। अच्छा, आपके कितने की मशीन है? मशीन है कम से कम सर 25,000 की। 25,000 की? हाँ। कब से मशीन लगी है यहाँ काम पे? मशीन है कम से कम यहाँ हो गया 15-16। 16 दिन हो गया? हाँ 16 दिन हो गया। बाकी पेमेंट वेमेंट मिला कि नहीं मिला? पेमेंट कुछ नहीं मिला सर, 3,000 रुपया दिए, बाकी कुछ नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिए। अच्छा, हाँ। मैम, ये आदर्श नगर में आए हैं, क्या है बिल्डिंग का पूरा मामला? पिछले इसी 2 हफ्ते पहले हमारे द्वारा एक सिविल सूट फाइल किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष, और 17 मार्च को एक ऑर्डर के तहत यहाँ LC अपॉइंट हुआ था। जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैंने नापी तो नहीं है, बिकॉज आज की तारीख के लिए ऑर्डर्स नहीं थे LC के, मगर यहाँ पे हाइट 63 फुट है। पहला लेंटर 14 फुट, फिर 10-10-10 के 5 लेंटर, विच इज 64 फीट, विच इज इलीगल MCA के बायलॉज के अकॉर्डिंग 48 फीट, जो कि अलाउड है किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में। आप देखिए, पूरा मार्केट एरिया है यहाँ से यहाँ तक। मुद्दा यहाँ सिर्फ इतना सा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया बिल्डिंग को बनाने का, उसको इलीगल तौर पे यहाँ के जो मालिक है उसने 48 फुट से इंक्रीज करके 65 फुट तक बनवाया। कॉन्ट्रैक्टर कहता रह गया कि मैं आगे रेज नहीं करूँगा, मेरे पास परमिशन नहीं है, सैंक्शन प्लान्स नहीं है। पर जो यहाँ के ओनर हैं साहब, बहुत ही बड़े साहब हैं, आदर्श नगर के पूरे भूमाफिया टाइप हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटीज़ है, और उन्होंने उनको फोर्स करके, लेबर्स को अंदर लिटरली कन्फाइन करके इस बिल्डिंग को बनाया गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि बिल्डिंग से भगा दिया गया लेबर्स को 60 दिन का वेतन ना दिए बिना। 6 लाख से अधिक वेतन उनका अभी रुका हुआ है। शटरिंग मटेरियल जो कि 7 से 8 लाख रुपए का, तो सामने एक अन्य प्लॉट में बंद कर दिया गया है, जो कि इलीगल है। नौबत इतने आने पे हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। व्हेन वी वेंट टू कोर्ट, LC वाज ड्यूली अपॉइंटेड एंड टुडे वी आर हियर विद लोकल कमिश्नर। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट विल बी सून फाइल्ड इन द कोर्ट, और बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टे किट पे बहस होगी, एंड होपफुली व्हेन वी गो टू सच कोर्ट्स वी विल बी गेटिंग द ऑर्डर। सी, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माई ड्यूटी इज ओनली टू पुट ऑन रिकॉर्ड द फैक्ट्स। I am just stating the facts without distorting them. और आज संडे के दिन हमारा भी टाइम कितना जाया किया गया। देखिए, मेरा ये मानना है किसी भी प्रॉब्लम के पीछे, प्रॉब्लम को ना, प्रॉब्लम्स के जेनेसिस को देखना चाहिए, जो रीज़न है उसको। दिल्ली में इतनी ज़्यादा कंजेशन हो गया है, भीड़ भाड़ हो गई है, किस लिए? किस लिए बायलॉज बनाए जाते हैं? बायलॉज बनाने का कारण ही यही है कि आप उन पर अमल करें। जैसा कि अब यहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई है बायलॉज का उल्लंघन करके, तो आप प्रॉब्लम को ना देख के प्रॉब्लम के रीजंस को देखिए। यहाँ भी यही मच रहा है, एक छोटी सी बात की वजह से आज यहाँ इतने लोगों का वक्त ज़ाया किया गया, कोर्ट का वक्त ज़ाया किया गया, LC को अपॉइंट किया गया, और वकील को वकील ना समझकर ये लोग अपनी एक मनमानी करते हैं। मकान मालिक से मैम, आपके लिए किस बात के लिए बहस हो रहा था? मकान मालिक अपनी रट पे है कि ऑर्डर नहीं है बिल्डिंग नपवाने का, आप कैसे बिल्डिंग नपवा देंगे, इसके ऑर्डर्स नहीं है, अगली डेट पे फिर एक ऑर्डर्स आएंगे, फिर कोर्ट का वक्त ज़ाया किया जाएगा, जबकि ये बिल्डिंग 65 फिट बनी गई है, विच इज़ इलीगल। अगेन, यहाँ से शटरिंग मटेरियल गायब कर दी गई है, ऊपर एक मशीन पाई गई है जिसकी फ़ोटो रिकॉर्ड पर आ गई है। अगली तारीख पे माननीय अदालत से ये गुजारिश रहेगी कि उस LC की रिपोर्ट को देखकर जो भी जायज़ ऑर्डर है वो पास